हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने पिछले आपदा में बरसात के कारण हुए नुकसान वाले स्थान पर आपदा से बचाव के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने कलसी और विवक्सिया नाले से होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों को मानसून से पहले कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान ही जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि जनपद के समस्त नगरीय क्षेत्रों में मानसून से पहले वर्षा अतिवृष्टि होने से नगरीय क्षेत्रों में नाले नालियों में सिलट की सफाई नहीं किए जाने से जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों से अपने अपने क्षेत्रों के नाले और नहरों की सफाई की स्थिति का भौतिक सत्यापन कर 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आपदा में पिछली बार हमारा जो नुकसान हुआ था मेजर अक्सिया और कंसिया नाले से, उसमें इस बार चैनलाइजेशन का काम हमने काफ़ी पहले विभागों को धनराशि सैंक्शन कर दी थी। उसी काम की जो प्रगति है उसका आज निरीक्षण किया है। एक दो जगह नगर निगम और सिंचाई विभाग के जो काम है उसमें अभी थोड़ी सी जो डिले है वो हो रहा है, उसको विभाग को 1 हफ्ते के अंदर अंदर कम्प्लीट करने के निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा अन्य भी जो काम है आपदा से संबंधित उनको समय से पूर्ण करे जाने के लिए विभागों को बताया। रोड चौड़ीकरण के हमारे जो मैटर हैं वो काफ़ी सारे इश्यूज़ की वजह से उसमें डिले चल रहा था, जैसे पोल काफ़ी शिफ्ट होने हैं और अभी पीक सीज़न है गर्मी का, उसकी वजह से बिजली का शटडाउन जो है लेना संभव नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से पोल की शिफ्टिंग हमारी डिले हुई और पेड़ों की शिफ्टिंग का भी एक मैटर है जिसमें कुछ पेड़ रिलोकेट करे जाने हैं तो उसमें समय लगेगा।